आज हम डिस्कस करेंगे मीटिंग, या जिसको बोलते हैं हिंदी में सभा। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मीटिंग या सभा क्या होती है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, कंपनी अधिनियम पढ़ रहे हैं, तो हम किसकी सभाओं के बारे में बात करेंगे, कंपनी की सभाओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सभा या कंपनी की सभा क्या होती है, और फिर सभा के प्रकार क्या होते हैं। आपका टॉपिक ही है कंपनी मीटिंग्स एंड देयर काइंड, या कंपनी की सभाएं एवं उनके प्रकार। तो उनका हम अर्थ पढ़ेंगे और कंपनी की सभाएं कितने प्रकार की होती हैं हम वो देखेंगे। सबसे पहले हम नॉर्मल मीनिंग देखते हैं कि क्या मीटिंग का या सभा का मतलब होता है। क्या बोल रहे हैं, जनरली सभा क्यों की जाती है, मीटिंग क्यों की जाती है, पहले मैं देख लेते हैं। कंपनी द्वारा समय समय पर किसको, संचालकों को, डायरेक्टर्स को, उनके ऋण पत्रधारियों को, लेनदारियों को, अंशधारियों को, विभिन्न प्रकार की क्या की जाती है, सभा बुलाई जाती है, जिससे कंपनी से संबंधित क्या लिए जाते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं। और उनका क्या होता है, एक कंपनी में प्रबंध एवं संचालन के लिए इन सभाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्योंकि हम क्या नहीं करेंगे, मीटिंग ही कंडक्ट नहीं करेंगे तो हमने क्या बोला था, हम इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, हम डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि हमें सबसे क्या करना होता है, सहमति लेनी होती है या डिस्कशन करना होता है। इसलिए हमें क्या जरूरी होती है, मीटिंग करना हो जरूरी होता है। तो किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट के लिए और उसके डायरेक्शन के लिए जो मीटिंग्स होती हैं वो बहुत ही क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब मीटिंग क्या होता है, क्या बोल रहा है, मीटिंग इज अ गैदरिंग ऑफ टू और मोर पीपल दैट हैज बीन कन्वर्टेड फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग अ कॉमन गोल थ्रू वर्बल इंटरेक्शन सच एज शेयरिंग इंफॉर्मेशन और रीचिंग एग्रीमेंट। हम वही डिस्कस कर रहे थे कि क्या करेंगे, वो लोग बातचीत करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। सभा से आशय दो या दो से अधिक व्यक्तियों का किसी पूर्व सूचना के आधार पर किसी कार्य पर विचार विमर्श करने के लिए एक स्थान पर एकत्रित होने से है। या मैं नॉर्मल और डेफिनेशन बताना, डेफिनेशन जैसे बताना चाहूँ तो शार्प वर्सेस डेविस में क्या बोल रहा है, विधि संगत उद्देश्यों के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना ही सभा है। जब कंपनी द्वारा अपने संचालकों, अंशधारियों, ऋण पत्रधारियों को आदि को किसी पूर्व सूचना अथवा पारस्परिक प्रबंध द्वारा किसी कार्य पर विचार विमर्श करने तथा उसे करने के लिए किसी एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है तो उसे कंपनी की सभा कहते हैं। सभा क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलेंगे, टू और मोर पर्सन मिल रहे हैं किसी प्लेस पे, किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, वो क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं या कुछ एग्रीमेंट बना रहे हैं, वो जनरल क्या हो जाता है, मीटिंग। लेकिन जब कंपनी के साइड से क्या किया जाता है, जब कंपनी की तरफ से क्या किया जाता है, अपने डायरेक्टर्स को, उसके शेयर होल्डर्स को, डिवेंचर होल्डर्स को क्या किया जाता है, पहले से इंफॉर्मेशन दी जाती है और उनसे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या किया जाता है, विचार विमर्श, डिस्कशन कर रहे हैं, उसे करने के लिए लोगों को क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे बुलाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंपनी की सभाएं कहते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कंपनी की मीटिंग। हम लोग कल जब मतलब जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इसका नेक्स्ट टॉपिक ही ये है कि कंपनी की सभाओं की कार्य विधि क्या होती है, प्रोसीजर ऑफ कंपनी मीटिंग। तो उसमें सबसे पहले यही आएगा कि आपको कंपनी की सभा के लिए क्या करना पड़ता है, सबको पहले सूचना या इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि पूर्व इंफॉर्मेशन दे के जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों को बुला रहे हैं, उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं वर्बली और किसी एग्रीमेंट पे या किसी डिसीजन पे पहुंच रहे हैं, कुछ डिस्कशन के बाद उसे हम क्या बोलेंगे, जब कंपनी की साइड से बुलाया जाएगा तो कंपनी मीटिंग, और अगर नॉर्मल लोग मिलके कर रहे हैं तो मीटिंग हो जाता है। तो मुझे इससे कंक्लूजन क्या मिल रहा है, निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कि निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी पूर्व सूचना के आधार पर किसी निश्चित वैध कार्य के उद्देश्य से एकत्र होते हैं तथा आपस में विचार विमर्श करते हैं तो उसे सभा कहते हैं। सबको क्लियर है सभा या मीटिंग कैसे कहते हैं, कंपनी की सभा का क्या अर्थ होता है, मीनिंग ऑफ कंपनी मीटिंग। क्लियर है सभी को? यस।
अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फिर टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी की सभा के प्रकार। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये चार्ट देखते हैं तो हमें इजीली समझ में आएगा। कंपनी मीटिंग, कंपनी मीटिंग कितने प्रकार की है, मैंने बोला जैसे डेफिनेशन में हम बोल रहे हैं कि जब कंपनी के द्वारा मीटिंग की जाती है तो वो अपने अंशधारियों मतलब शेयर होल्डर्स को, संचालकों को मतलब डायरेक्टर्स को और ऋण पत्रधारियों को, तो मैंने उसको क्या ले लिया है, स्पेशल टाइप में ले लिया है। या मैं उसके लिए चाहूँ तो मैं अलग से ये भी लिख सकती हूँ स्पेशल की जगह पे कि ऋणदाताओं, ऋण पत्रधारियों और अंशधारियों की सभा, मीटिंग्स ऑफ क्रेडिटर, डिवेंचर होल्डर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है, उसको स्पेशल भी बोल सकते हैं, सेकंड वैसा भी बोल सकते हैं। अब कंपनी की सभा में सबसे पहले कौन सी बोल रहा है, शेयर होल्डर्स मीटिंग। जो शेयर होल्डर्स या अंशधारियों की सभाएं होती हैं उसमें पहली होती है एनुअल मीटिंग, फिर होती है जिसको हम साधारण मीटिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरी होती है असाधारण व्यापक सभा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और एक होती है इसमें दिखा रहा है सिटेटरी मीटिंग या क्लास मीटिंग को भी हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, जो हमने लास्ट में लिखा हुआ है। तो ये तीन इसके लिए हो गए। संचालकों की सभाएं जो है वो सिर्फ दो प्रकार की होती हैं, या मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर, सबसे पहले मीटिंग ऑफ बोर्ड डायरेक्टर और मीटिंग ऑफ कमेटी डायरेक्टर, संचालक मंडल की सभाएं और संचालकों की समितियों की सभाएं। फिर जो स्पेशल टाइप है उसमें हम क्या ले रहे हैं, जैसे क्लास मीटिंग को अगर मैं इधर ले आऊंगी तो क्या बचा, सिर्फ क्रेडिटर्स मीटिंग। क्रेडिटर्स की एक मीटिंग हो सकती है, एक मीटिंग ऑफ क्रेडिटर, डिवेंचर होल्डर, अदरवाइज देन द वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप से रिलेटेड मीटिंग होती है। तो क्या मैंने देखा जनरली कंपनी की टाइप्स को, कंपनी की सभा हमने पढ़ लिया कि कंपनी की मीटिंग क्या होती, कंपनी के टाइप को मैंने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, एक शेयर होल्डर, दूसरा डायरेक्टर और तीसरा स्पेशल टाइप, या फिर उसमें मैं इंक्लूड कर सकती हूँ क्रेडिटर, डिवेंचर होल्डर और कॉन्ट्रीब्यूटर, ऋणदाताओं, ऋण पत्रधारियों और अंशधारियों की सभाएं। डायरेक्टर मीटिंग्स मतलब संचालकों की सभाएं, शेयर होल्डर्स मीटिंग मतलब अंशधारियों की सभाएं। देखो उसी को पहले उसने लिखा हुआ है, ऐसे लिख के और फिर आप क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे। अब हम एक एक को क्या कर लेते हैं, एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं कि क्या होता है शेयर होल्डर्स मीटिंग, अंशधारियों की सभाएं। अंशधारियों की सभाएं, सभाओं में सबसे पहले मैं पढ़ूंगी एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग या जिसको बोलते हैं वार्षिक सभा। वार्षिक सभा क्या होगी भाई, अब वार्षिक सभा वर्ड से ही क्या समझ में आ रहा है, एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल वर्ड का मतलब होता है वार्षिक, वार्षिक मतलब कि वर्ष में एक बार ही, से समझ में आ रहा है इसका मीनिंग, जो वर्ड से मीनिंग निकल रहा है। क्या बोल रहे हैं डेफिनेशन में, एवरी पब्लिक कंपनी विल होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग फॉर इट्स मेंबर, वो अपने मेंबर्स के लिए क्या करती है, एनुअल जनरल मीटिंग करती है, विथ होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर, दिस मीटिंग इज टू बी कॉल्ड एंड हेल्ड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, मैंडेटरी फॉर एवरी टाइप ऑफ कंपनी फॉर दैट मैटर, सभी के लिए क्या है, बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है, वॉलेंट्री नहीं है कि अपनी इच्छा से, ये जरूरी है, करना ही है। कौन इसको एग्जीक्यूट कौन करता है, किसके द्वारा बुलाई जाती है और उसको कंडक्ट किया जाता है, कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा। हिंदी में बता देती हूँ, कंपनी को विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है, इसकी प्रबंध व्यवस्था इसके सदस्यों द्वारा नियुक्त किए गए संचालकों के हाथ में होती है। यह उल्लेखनीय है कि अनेक महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार संचालकों का ना होकर किसका होता है, सदस्यों का होता है। लाभांश की घोषणा करना, संचालकों एवं अंकेक्षकों की नियुक्ति करना, अंतिम खातों तथा अंकेक्षकों की रिपोर्ट की स्वीकार करना, सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, उनके सदस्यों के द्वारा किए जाते हैं। इस हेतु कंपनी प्रति वर्ष सदस्यों की एक सभा बुलाई जाती है जिसे वार्षिक व्यापक सभा कहते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं। क्लियर हुआ कि कंपनी के संचालकों द्वारा बुलाई जाती है, क्यों बुलाई जाती है वो भी बता दिया कि सारे निर्णय जो है वो संचालक नहीं ले सकते हैं, उसके लिए चाहे वो लाभांश घोषित करना हो, चाहे वो अंकेक्षकों की, ऑडिटर्स की नियुक्ति करना हो, अंतिम खातों की करना हो या ऑडिटिंग की रिपोर्ट बनानी हो, सबके लिए किसका होना जरूरी होता है, उनके मेंबर्स का जरूरी होना होता है।
इसलिए साल में एक बार ये कंपलसरी क्या की जाती है, एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जाती है। वार्षिक सभा का क्या उद्देश्य होता है? वार्षिक सभा का उद्देश्य कंपनी द्वारा वर्ष भर में की गई प्रगति से सदस्यों को अवगत कराना, उसके बारे में बताना, उनके महत्वपूर्ण मामलों पर सदस्यों की राय जानना। सदस्यों की दृष्टि से इस सभा का विशेष महत्व है। इसी सभा में अंकेक्षकों व संचालकों की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। ओकेजन बोल रहा है द फर्स्ट एनुअल मीटिंग मस्ट बी हेल्ड विद इन 18 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। हमने पहले जब इनकॉर्पोरेशन पढ़ा था, याद होगा, तो हमने देखा था कि अगर कोई कंपनी नई नई बनी होती है तो उसको हम 6 month का एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, लेकिन जब वो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग बुलाएगा तो उसके पास कितने महीने होंगे? फिर 6 month ही होंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए उसके पास ज्यादा टाइम नहीं होगा। फिर नेक्स्ट ईयर में उसको उन 6 month में ही बुलाना होगा, लेकिन शुरू में उसको क्या कर रहे थे, हम एक्स्ट्रा टाइम दे रहे थे। तो क्या बोल रहा है? द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग मस्ट बी हेल्ड विद इन 18 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। द नेक्स्ट मीटिंग मस्ट बी हेल्ड वंस इन अ ईयर, वंस इन एवरी कैलेंडर विद इन द 4 months आफ्टर क्लोजिंग। इसका क्या उद्देश्य होता है या क्या पर्पस होता है? पर्पस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, या जिसको मैं क्या बोल सकती हूँ, वार्षिक व्यापक सभा के क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस होता है? तो क्या बोल रहा है? टू रिसीव एंड कंसीडर द डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। जैसा हमने इसके मीनिंग में देखा कि उस टाइम पे क्या किया जाता है, वो लोग अब कंपनी की प्रगति के बारे में बताते हैं और वो लोग अपनी रिपोर्ट भी क्या करते हैं, इसी में शो कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा है? कंपनी के सदस्यों का कंपनी के कार्य व प्रबंध पर अंतिम नियंत्रण बनाए रखना। कंपनी के सदस्यों को कंपनी के गत वर्षों के कार्य एवं प्रगति से अवगत कराना। वार्षिक खातों की अंतिम स्वीकृति प्राप्त करना। लाभांश घोषित करना। सेवानिवृत्त एवं अन्य कारणों से रिक्त हुए संचालकों के पदों पर नवीन संचालकों की नियुक्ति करना। अंकेक्षकों की नियुक्ति करना। द डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड द एडिटर्स रिपोर्ट टू सेक्शन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड। डिविडेंड को डिक्लेयर करना, जैसे अभी हमने देखा लाभांश घोषित करना। टू अपॉइंट और री अपॉइंट द डायरेक्टर्स, अगर किसी का क्या हो गया है, कार्यकाल समाप्त हो गया है, वो उसका काम अभी सेवानिवृत्त हो गया है, वो रिटायर हो गया है, तो उसकी जगह पे जो प्लेस क्या है खाली है, उसमें क्या करना, नए संचालकों की भर्ती करना या डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना। टू अपॉइंट और रीअपॉइंट द ऑडिटर्स एंड फिक्स देयर रिम्यूनरेशन, क्या करना, अंकेक्षकों या ऑडिटरों को भी क्या करना, अपॉइंट करना, रीअपॉइंट करना, अगर कोई पहले से है तो उसकी जगह पे नया आने वाला है तो उसको रीअपॉइंट करना, उसके बाद क्या करना, उनका रिम्यूनरेशन फिक्स करना। ये क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है किसका? एनुअल जनरल मीटिंग का, वार्षिक सभाओं का। अब एक चीज और है, वार्षिक सभा से संबंधित वैधानिक प्रावधान, स्टेट्यूटरी प्रोविजंस रिगार्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग। क्या क्या स्टेट्यूटरी प्रोविजंस हैं? एक सबसे फर्स्ट क्या क्या प्रावधान है या क्या बोलना चाहिए, प्रोविजंस हैं जो कंपलसरी हैं। सबसे पहले टू कॉल एवरी ईयर, प्रतिवर्ष सभा बुलाना। फिर क्या बोल रहा है? दो वार्षिक व्यापक सभाओं के मध्य अंतराल। क्या बोल रहा है? कंपनी की दो वार्षिक सभाओं के मध्य 15 माह से अधिक अवधि का अंतराल नहीं होना चाहिए। मतलब कि वंस इन अ ईयर बुलाना है, मगर ऐसा नहीं कि पहली मीटिंग 2019 की जनवरी में बुलाए तो दूसरी मीटिंग 2020 के दिसंबर में बुला रहे, उनके बीच में 15 months से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। प्रथम वार्षिक व्यापक सभा का समय, क्या बोल रहा है कि प्रथम वार्षिक व्यापक सभा प्रथम वित्तीय वर्ष बंद होने के 9 माह के अंदर आयोजन होना चाहिए, 9 month के अंदर होना चाहिए। सभा की अवधि बढ़ाना, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था जब हम इनकॉर्पोरेशन पढ़ रहे थे कि हम मीटिंग का टाइम 3 month तक एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर वो फर्स्ट टाइम आया है, उसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसकी कंपनी के अभी सारा काम शुरू किया है तो उसको टाइम लगेगा सारी चीजों को, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, क्योंकि उस टाइम पे उसको क्या करना है, अपनी कंपनी का जो भी लॉस प्रॉफिट है,
जो भी ग्रोथ हुई है, जो भी वर्किंग था, वो सब शो करना होता है, तो उसको फर्स्ट मंथ में टाइम मिलता है, तो वो क्या कर सकता है, उसको एक्सटेंड करा सकता है। सभा का समय बताना होगा, सभा 9 से 6 के बीच में होगी, ये सब हम पढ़ चुके हैं उसमें इनकॉर्पोरेशन में। उसका सभा का समय, स्थान व दिन, कंपनी की वार्षिक सभा के कंपनी के कामकाज के घंटों के अर्थात सुबह 9 से 6 के मध्य किसी भी ऐसे सार्वजनिक अवकाश का दिन ना हो कि 15 अगस्त 26 जनवरी को नहीं बुला सकते, नॉर्मल डेज में बुलाना है। कंपनी के रजिस्टर कार्यालय अथवा उस शहर या कस्बे जहाँ कंपनी का रजिस्टर कार्यालय स्थित है किसी भी स्थान पर बुलाई जा सकती, जहाँ उसका हेड ऑफिस है, या तो हेड ऑफिस में या उसी सिटी में कहीं पे भी, ठीक है। फिर केंद्रीय सरकार द्वारा छूट, केंद्रीय सरकार को यह अधिकार है कि यदि वह चाहे तो किसी कंपनी को उन शर्तों के अंतर्गत जिन्हें वह उपयुक्त समझे सभा के स्थान समय दिन संबंधी व्यवस्थाओं से मुक्त कर सकती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के साइड से जो चाहे वो उनको कर सकती है। तो ये सब क्या है, इसके प्रोविजंस है। क्या बोल रहा है, प्राधिकरण द्वारा सभा बुलाना, ट्रिब्यूनल द्वारा भी कभी कभी सभा बुलाई जा सकती है, सभा की सूचना पहले देना है, 21 दिन पूर्व देना है, ये भी हमने इनकॉर्पोरेशन में पढ़ा था, सभापति के उपस्थित ना होने पर, यदि सभा के निर्धारित समय के 15 मिनट के भीतर सभापति उपस्थित नहीं होता है या उपस्थित होने के बावजूद सभापति पद को स्वीकार नहीं करता है तो सदस्यों द्वारा सभा में किसी को भी सभापति चुना जाएगा। सभा की सूचना प्राप्त करने के अधिकारी सभी लोग होते हैं जो कंपनी का प्रत्येक सदस्य होता है। अगर कोई सदस्य है जिसकी मृत्यु हो गई तो उसका उत्तराधिकारी, उसको भी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। कंपनी के सारे अंकेक्षक को, कार्यवाहक को जो कोरम बनाता है, ये सारी क्या है, इसके प्रोविजंस है। किसके, वार्षिक व्यापक सभा के संबंधित वैधानिक प्रावधान। ये सब कुछ करना मुझे जरूरी है, मेरा मुझे पता चल गया कि वार्षिक सभा क्या होती है, जो साल में एक बार बुलाना जरूरी है, इसका क्या उद्देश्य है, ये पता चल गया और उसके क्या क्या प्रावधान है। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होता होगा, असाधारण व्यापक सभा। पहले मुझे एक जनरल मैं समझा देती हूँ, साधारण सभा क्या होता है, साधारण सभा जो साधारण कार्य के लिए की जाती है, जो जनरल मीटिंग होती है उसे मैं साधारण सभा भी कह सकती हूँ, उसमें साधारण कार्य किए जाते हैं। अब असाधारण व्यापक सभा क्या होती होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो पहले इसका, ऑल जनरल मीटिंग अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग एंड स्टेट्यूटरी मीटिंग्स आर नोन एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्या बोल रहे हैं, जो जनरल मीटिंग होती हैं उसके अलावा जितनी भी मीटिंग्स बुलाई जाएंगी वो कौन से किस में कहलाएंगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में। दिस मीटिंग इज होल्ड हेल्ड ऑन द स्पेशल ओकेजन्स और इन और इट कैन से इन द इमरजेंसी सिचुएशन व्हेन डायरेक्टर्स थिंक दैट नेसेसरी, फॉर एग्जाम्पल एट अ प्लान ऑफ मर्जर। क्या बोल रहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होती है, जो क्या किए जाती हैं, एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा बुलाई जाती हैं किसी स्पेशल ओकेजन के लिए या इमरजेंसी सिचुएशन में, जब डायरेक्टर्स को लगता है तब ये मीटिंग बुलाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल उसने बता दिया, जब हम मर्जर करते हैं। क्या बोल रहा है, वार्षिक सभा के अतिरिक्त कंपनी की सभी व्यापक सभाएं असाधारण व्यापक सभाएं कहलाती हैं। कंपनी द्वारा किसी समय असाधारण व्यापक सभा बुलाई जा सकती है। असाधारण व्यापक सभा ऐसे कार्य को करने के लिए बुलाई जाती है जिन पर निर्णय लेने के लिए आगामी वार्षिक व्यापक सभा तक इंतजार करना संभव ना हो, जैसे पार्षद सीमा नियमन में परिवर्तन, अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ चेंज करना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ चेंज करना है, कैपिटल बोलना चाहिए, जो कैपिटल है हमारी उसमें अगर कुछ चेंज करना है, या किसी डायरेक्टर को कोई रीजन से वो पद छोड़ रहा है या उसे हटा रहे हैं, तो सब डिसीजन लेने के लिए जो मीटिंग्स बुलाई जाती हैं एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा, वो किस में आती हैं, असाधारण व्यापक सभाएं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग।
कई रीजनों से कई बार क्या होते हैं, कंपनी को अपने नाम बदलने होते हैं, उनका नाम बदलना है। तो अब हम 1 साल तक तो वेट नहीं कर सकते किसी चीज के लिए। कोई छोड़ दिया है डायरेक्टर का अपना पोजीशन, या किसी कारण से मुझे उसको हटाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा उस सिचुएशन में, अलग से इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगी, एक मीटिंग बुलाना पड़ेगी। तो उसको क्या नाम दे दिया मैंने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ओकेजन, द मीटिंग इज हेल्ड ऑन द स्पेशल ओकेजन एंड द इमरजेंसी सिचुएशन। नोटिस of the meeting, the director will send a notice of the meeting to all members of a company at least 21 days before the meeting. Meeting ke 21 din pehle se batana zaruri hai. अब इसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, क्या उद्देश्य होगा, वो देख लेते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं किसके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के या असाधारण व्यापक सभाओं के। सबसे पहले मैंने जैसे देखा कि, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, असाधारण व्यापक सभा है, तो असाधारण एवं अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बुलाई जाती है। आवश्यकता पड़ने पर एक वर्ष में कई बार बुलाई जा सकती है। ऐसी सभा किए जाने के लिए सभी विशेष कार्य ही माने जाते हैं। सामान्य रूप से एक असाधारण व्यापक सभा बहुत सारे कारणों से बुलाई जा सकती है, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ चेंज करना है। जैसे अभी कोविड आ गया तो कंपनीज को क्या करनी पड़ रही है, अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ रही, तो उनको वे 1 साल तक तो वेट नहीं कर सकते। वो फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बुलानी पड़ेगी। अब उनकी कैपिटल में कुछ चेंज करना है, उनको शेयर कैपिटल में कुछ चेंज करना है, कुछ शेयर्स को क्या करना है, मोर्टगेज करना है, या डिवेंचर को इशू करना है, नए डिवेंचर को इशू करना है, या किसी रीजन से उनका जो हेड ऑफिस है उसको चेंज करना है। क्योंकि हमने क्या बोला था कि जो भी काम करेंगे, हमें इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे हमने पढ़ा था कंपनी के, कि हम जो भी काम करेंगे हमको सारी इंफॉर्मेशन कहाँ देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार के ऑफिस में। और इन्फॉर्मेशन देने के पहले सबसे क्या करवाना पड़ेगा, सब लोग उस पर क्या हो, बोलना चाहिए, सहमत हो, सब लोग एक्सेप्ट करें कि हाँ ये होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, मीटिंग बुलानी पड़ेगी, और उसी मीटिंग को हम क्या बोल रहे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अगर मुझे संचालकों का रिमेन्यूरेशन डिसाइड करना है, या मुझे नए डिवेंचर करना है, या मुझे अपने किसी काम, अपने ऑफिस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चेंज करना है, कुछ भी कंपनी के लिए जो स्पेशल या बोलना चाहिए आवश्यक लगता है, उसके लिए वो क्या करता है, असाधारण मीटिंग बुलाता है। अब असाधारण ये उसके क्या है, उद्देश्य है। असाधारण मीटिंग कौन कौन बुला सकता है, तो एक डायरेक्टर्स बुला सकते हैं, कभी कभी सभा की मांग करने वाले सदस्यों द्वारा भी की जा सकती है, और प्राधिकरण अधिकरण द्वारा तो की ही जा सकती है। डायरेक्टर्स कर कब करते हैं प्रायः, जब वो डायरेक्टर्स के द्वारा मीटिंग कब बुलाई जाती है, जब वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि कंपनी के एमओए में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, या जिसको बोलते हैं अंतर नियम या सीमा पार्षद नियम में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। सदस्य कब बुला सकते हैं, जब उन्हें लग रहा है कि यदि अंश पूंजी वाली सदस्य जो मांग की दिनांक पर कुल प्रदत्त पेड अप कैपिटल कम से कम 1/10 भाग पर अधिकार रखते हैं, जिन्हें उस दिनांक पर मत देने का अधिकार है। सदस्य द्वारा भी बुलाई जा सकती है, और ट्रिब्यूनल द्वारा भी, प्राधिकरण द्वारा भी बुलाई जा सकती है। अब हम क्या देखेंगे नेक्स्ट, सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि हम इसी में देख रहे हैं कि इसको, क्लास मीटिंग को, क्लास मीटिंग या वर्ग सभाएं। ये वर्ग सभाएं क्या होती हैं, क्लास मीटिंग क्या होता है, व्यापक सभाओं जनरल मीटिंग एक प्रकार वर्ग सभा भी है। वर्ग सभा क्लास मीटिंग से आशय किसी एक विशेष प्रकार के अंशधारियों की सभा से है। ऐसी सभाओं का आयोजन कंपनी द्वारा विशेष वर्ग के अंशधारियों के लिए किया जाता है। वर्ग सभाएं प्रायः निम्नलिखित उद्देश्य से बुलाई जाती है। क्या बोल रहा है, द कंपनी हैज डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर। अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, शेयर्स होते हैं।
when the meeting is arranged by one kind of shareholder, it is called class meeting. जब किसी एक ही प्रकार के हम किसको बुलाना चाह रहे हैं, shareholders को बुलाना चाह रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, वर्ग सभा या क्लास मीटिंग होता है. इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है क्लास मीटिंग का, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किसी विशेष वर्ग के अंशधारियों या शेयर होल्डर्स के अधिकारों में परिवर्तन कर रहे हैं, हम कुछ उनके अधिकार बदल रहे हैं, उनके में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है. कंपनी व सदस्यों के बीच प्रस्तावित किसी समझौता या प्रबंध योजना पर विचार करना, ऐसी अवस्था में न्यायालय द्वारा सभा बुलाने का आदेश दिया जाता है. तो ये क्या हो जाता है हमारा क्लास मीटिंग. अब हम देखते हैं संचालकों की सभाएं, या जिसको हम बोलते हैं मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर. डायरेक्टर की मीटिंग क्या होती है, हमने देखा था कि डायरेक्टर्स मीटिंग में हम कितने प्रकार से पढ़ सकते हैं, दो प्रकार से, संचालक मंडल की सभाएं और संचालक समितियों की सभाएं. अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जनरली मस्ट कंडक्ट अ बोर्ड मीटिंग टू मेक अ कंपनीज डिसीजन, फ्रेम द जनरल पॉलिसी ऑफ द कंपनी, डायरेक्ट इट्स अफेयर्स, अपॉइंट्स द कंपनी ऑफिसर्स, इंश्योर दैट दे कैरी आउट their duties and recommended to the shareholders regarding distribution of dividend not provided in the act. Usually director may at any summon a meeting of the director. Board of director will hold the responsibility for overall success and failure of the corporation. तो क्या बोल रहा है कि ये इसकी definition बता रहा है किसकी, director meeting की. अब मैं देखती हूँ सबसे पहले संचालक मंडल की सभाएं क्या होती है, जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग का क्या अर्थ होता है, सामान्यतः संचालकों की सभाओं से आशय संचालक मंडल की सभाओं से लगाया जाता है. संचालक मंडल संचालकों का समूह सूचक नाम है, अतः संचालकों को सामूहिक रूप को ही संचालक मंडल कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं. क्या बोल रहा है, इसकी आवश्यकता क्यों है, कंपनी के संचालक मंडल की सभाएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, व्यवहार में कंपनी से संबंधित सभी प्रमुख निर्णय लेना, अधिनियम से संबंधित अंशधारियों की स्वीकृति आवश्यक होती है, उनके लिए कौन कौन संचालक मंडल की सभा के लिए लिए जाते हैं. यही सही है कि व्यापक सभाओं में अंशधारियों की औपचारिक स्वीकृति ली जाती है, परंतु यह मात्र औपचारिकता बनकर रह गया है, क्योंकि अधिकांश अवस्थाओं में व्यापक सभा में संचालक व उनके मित्र तथा रिश्तेदारों का ही बहुमत होता है. अतः व्यापक सभा की स्थिति संचालक मंडल के रबर स्टाम्प के समान होती है. लगभग सभी मामलों में संचालक मंडल द्वारा ही क्या किए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, जो उनके मोस्ट ऑफ द मेंबर्स होते हैं वो उनके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स होते हैं. उसके लिए क्या क्या प्रावधान है कि कंपनी अधिनियम और अंतर नियमों के अनुसार सभा होना चाहिए. जितने भी क्या है मंडल के सभाओं की संख्या, जितने भी मेंबर्स हैं सबको बुलाना है, सभा में बुलाने का अधिकार है, सभा की स्थान पता होना चाहिए, सभा की सूचना जनरली हमने बोला था कि पहले से दे देनी चाहिए, सूचना की अवधि, उसकी क्या क्या सामग्री होना चाहिए, यह हम नेक्स्ट उसमें भी डिस्कस करेंगे कि क्या होता है इसमें. फिर संचालक समितियों की सभाएं हमने इसमें दूसरा देखा था, मीटिंग्स ऑफ द कमेटी ऑफ द डायरेक्टर. कंपनी के अंतर नियमों में प्रावधान होने पर संचालक मंडल द्वारा उन प्रावधानों के अधीन संचालक समितियों की स्थापना कर सकते हैं, वो चाहे तो कमेटीज बना सकती हैं और अपने अधिकार को सौंप सकते हैं. फलतः आज तक कई कंपनियों के संचालकों की विभिन्न समितियां पाई जाती है, जैसे अंश आवंटन समिति, अंश हस्तांतरण समिति, वित्त समिति, वो कमेटीज बना देते हैं खुद से. ये प्रावधान है, ये प्रोविजन है कि अगर वो उनको वर्किंग के लिए कमेटी बनाने की जरूरत है तो वो कमेटीज बना सकते हैं, और वो कमेटीज भी चाहे तो मीटिंग कॉल कर सकती है. तो ये हमने क्या देखा, डायरेक्टर्स मीटिंग देखा. अब हमने लास्ट में देखा था एक स्पेशल टाइप की मीटिंग होती है या शेड्यूल मीटिंग होती है, इसमें क्लास मीटिंग और क्रेडिटर मीटिंग. क्लास मीटिंग हमने देख लिया, क्रेडिटर मीटिंग
क्या होती है हम देख लेते हैं। क्रेडिटर मीटिंग में क्या बोला, द डायरेक्टर ऑफ और दे आर अपॉइंटेड लोअर कैन इनवाइट दिस टाइप ऑफ मीटिंग, मोर ओवर द टाइप ऑफ मीटिंग मे बी अरेंज बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इफ नेसेसरी टू रिकंस्ट्रक्ट और डिजॉल्व टू एनी अमेलगेशन ऑफ द कंपनी टू प्रिजर्व द राइट ऑफ क्रेडिटर दिस टाइप ऑफ मीटिंग इन्वाइटेड बाय देयर प्रॉपर ऑथोरिटिव पर्सन क्रेडिटर हु विल बी द प्रेजेंट इन मीटिंग और द प्रेजेंस ऑफ 3/4 क्रेडिट होल्डर्स ऑफ द टोटल क्रेडिट कैन टेक द डिसीजन एंड द कोर्ट विल गिव द इंस्ट्रक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिसीजन एंड द क्रेडिट आर गिवन। तो क्या बोल रहा है कि क्रेडिटर के साइड से भी क्या की जा सकती है मीटिंग, क्रेडिटर की भी एक क्या होती है मीटिंग होती है, एक मीटिंग होती है ऑडिटर की भी, अंकेक्षक समिति के द्वारा भी क्या की जाती है कभी कभी मीटिंगें बुलाई जाती हैं। अंकेक्षक मतलब कि जो ऑडिटर होते हैं उसमें ऑडिटर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी रहती है। ये क्या पढ़ा हमने आज, क्या डिस्कस किया, सबसे पहले कि मीटिंग क्या होता है, मीटिंग क्या होता है, कंपनी मीटिंग क्या होता है, उसके बाद हमने देखा काइंड्स ऑफ मीटिंग आपको क्वेश्चन आएगा, तो एक शेयर होल्डर डायरेक्टर और स्पेशल मीटिंग। शेयर होल्डर में हम क्या डिस्कस करेंगे, एनुअल जनरल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और क्लास मीटिंग। बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग में बोर्ड मीटिंग, कमिटी मीटिंग्स और स्पेशल में क्रेडिटर मीटिंग और ऑडिटर मीटिंग। क्लियर है सभी को?